हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगी एक ऐसे क्रीम की जो सभी के घर में होती है और ये है फेयर एंड लवली क्रीम। फ्रेंड्स, ये इंडिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली फेयरनेस क्रीम है। इंडिया के अलावा ये बांग्लादेश पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा बिकती है। एंड ये फेयर एंड लवली का एडवांस मल्टीविटामिन क्रीम है जो कि एक ट्यूब पैक में है। एंड इसकी क्वांटिटी है 25 ग्राम, जिसका प्राइस है 50 रुपीज। रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं इस क्रीम को यूज नहीं करती हूं। वैसे मैंने कई सालों तक इस क्रीम को यूज किया है, बट अभी पिछले 10 सालों से मैं इसका यूज नहीं कर रही हूं। मैं फिर भी इसका आज रिव्यू दूंगी। तो अब आप सोच रहे होंगे कि जब मैं इस क्रीम को यूज नहीं करती हूँ तो फिर मैं इसका रिव्यू क्यों दे रही हूँ। तो इसके पीछे एक कारण है कि मैंने पिछले साल एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया था, हाउ टू मेक लिक्विड फाउंडेशन एट होम, जिसमें मैंने फाउंडेशन बनाने के लिए फेयर एंड लवली क्रीम का यूज किया था। एंड वो वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद भी आया था। एंड उस वीडियो में सबसे ज़्यादा कमेंट्स आए थे फेयर एंड लवली क्रीम के बारे में, जिसमें 1000 से ज़्यादा लोगों ने ये लिखा था कि फेयर एंड लवली क्रीम बेकार है, चेहरे को काला कर देती है, चेहरे पर पिंपल्स हो जाते हैं। तो आज मैं इन्हीं सब सवालों का जवाब इस वीडियो में आप लोगों को दूंगी कि क्या सच में फेयर एंड लवली क्रीम बेकार है, चेहरे को काला कर देती है। तो सबसे पहली बात कि मैं जो भी DIY बताती हूँ एंड उसमें मैं जो भी क्रीम यूज करती हूँ वो सिर्फ एग्जाम्पल के लिए होता है, या फिर मैं जो भी सामान यूज करती हूँ वो सिर्फ एग्जाम्पल के लिए होता है। आप उसकी जगह पर कोई भी क्रीम यूज कर सकते हैं। आप जैसे कि मैंने फेयर एंड लवली क्रीम दिखाया है तो आप उसकी जगह पे पॉन्ड्स यूज कर सकते हैं, या फिर आप जो भी क्रीम यूज करते हैं वो यूज कर सकते हैं उसकी जगह पे। अब हम आ जाते हैं टॉपिक पर। तो क्या ये क्रीम सच में चेहरे को खराब कर देती है, काला कर देती है, चेहरे पर पिंपल्स हो जाते हैं, क्या ये क्रीम सच में बेकार है? तो मेरा जवाब है नहीं, ये चेहरे को काला नहीं करती है, चेहरे को खराब नहीं करती है, ये क्रीम बेकार नहीं है। लेकिन फैक्ट ये भी है कि कोई भी फेयरनेस क्रीम चेहरे को गोरा नहीं करती है, बस चेहरे को ब्राइट बनाती है और थोड़ा बहुत स्किन टोन को इन्हांस करती है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इतने कॉन्फिडेंट से कैसे बोल रही हूँ कि फेयर एंड लवली क्रीम अच्छा है। तो मैंने एक सर्वे किया है और सर्वे में मैंने पाया है कि जो लोग भी फेयर एंड लवली क्रीम यूज कर रहे हैं उनका चेहरा अच्छा है। तो फिर मैं इसके अकॉर्डिंग ये रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बस आपको इसे लगाने का सही तरीका पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने इसे दिन में लगाया और रात को लगा छोड़ दिया। आपको इसे रात को अपने चेहरे से हटाकर सोना है। आपको स्किन केयर को भी फॉलो करना है अगर आप इसको लगा रहे हैं तो। भले ही कुछ लोग इस क्रीम को बेकार बोल रहे होंगे, लेकिन मैंने अपने सर्वे में ये पाया है कि हर घर में फेयर एंड लवली कोई ना कोई लगाता है। भले ही आप नहीं लगा रहे हो, आपकी दादी लगा रही है, आपकी मम्मी लगा रही है, आपकी मदर इन लॉ लगा रही है, कोई ना कोई हर घर में इस क्रीम को यूज कर ही रहा है, क्योंकि ये इंडिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला क्रीम है। तो ये सारी बातें मैंने आपको अपने सर्वे के अकॉर्डिंग बताई है। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये क्लेम क्या करती है और आपको इसको सही तरीके से इस्तेमाल कैसे करना है ताकि ये चेहरे पर अच्छी तरह से वर्क करे। ये क्रीम स्पेशली लड़कियों के लिए है, क्योंकि मेल के लिए अलग से क्रीम आती है। ये क्लेम करती है कि यह चेहरे पर फेयरनेस लाती है, परफेक्ट फॉर ऑल स्किन टाइप्स, बट ये ड्राई स्किन के लिए सुटेबल नहीं है, मैंने ऐसा देखा है, क्योंकि ये ड्राई स्किन को और ज़्यादा ड्राई कर देती है। एंड दिस इज इनरिच्ड विद विटामिन B3, विटामिन C, विटामिन E, विटामिन B6, जो कि आपको देता है इंस्टेंट फेयरनेस एंड ग्लो। अच्छे रिजल्ट के लिए इस क्रीम को अपने चेहरे पर 2 बार लगाइए। सबसे पहले अपने स्किन को क्लीन कर लीजिए, फिर इस क्रीम को अपने चेहरे पर डॉट डॉट करके अप्लाई कीजिए, फिर हल्के हाथों से मसाज कीजिए। यह क्रीम आपके स्किन में बहुत ही आसानी से एब्जॉर्ब हो जाएगा। यह क्रीम दावा करती है कि यह आपके स्किन को फेयर बनाएगा, टैन को रिमूव करेगा, डलनेस को रिमूव करेगा, अंडर आई डार्क सर्कल को रिमूव करेगा। बस आपको इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए। अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू। बाय बाय।